हो रही है ना मामा। अभी। चले आज ना मुझे स्टोरी सुनाए। हर रोज मुझे स्टोरी सुनाए, हर रोज मुझे स्टोरी सुनाए, गंदी बच्ची। मुझे स्टोरियां बड़ी पसंद है। आपको स्टोरियां बड़ी पसंद हाँ, है? मैं हरे मनी के साथ नहीं पीला पढ़े देखती हूँ। तो कभी अच्छा आप भी मुझे चले सुना दिया करो। अच्छा चले ला सुनाए। अच्छा जी, आज जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना, जोर खामोश हो जाओ नाटी बॉय। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मामा चले। यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मामा चले। अच्छा अच्छा, आज जो मैंने आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ ना, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ एक ना गधे की, एक डोंकी की। डोंकी और एक डोंकी और उसका जो डोंकी राजा होते हैं, डोंकी का वो होता है। बुई भी निकली है ना, साथ साथ बुई भी निकली। अच्छा चले मामा सुनाए भी। मामा ब्लड निकला उसमें से। अच्छा, एक डोंकी और उसका जो मालक होता है ना उसकी। अच्छा जी, एक डोंकी होता है और एक उसका मालक होता है। तो जो डोंकी होता है ना, वो बड़ा ही पतला सा होता है, कमज़ोर सा। और इसकी वजह क्या होती है कि उसके जो मालक होता है ना, वो बड़ा कंजूस होता है, उसको खाने को नहीं ना देता। हम जानवरों से जब काम लेते हैं ना, उससे काम भी बहुत ज़्यादा लेता है। उसके ऊपर ना सामान वगैरह लाद के ना तो बेचने जाता है ना। तो गधा बेचारा जो है ना, वो बड़ा, उसको जब अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो फिर गधा बेचारा चलेगा कैसे, ये भी तो था ना। तो उसको ना अच्छा खाना नहीं देता, कंजूसी करता उसको खाना देने में। तो जिसकी वजह से ना गधा जो है ना, वो बड़ा ज़्यादा वीक होता जाता है, उससे चला भी नहीं जाता। वो चल रहा होता है तो एकदम ना चलते चलते ना गिर जाता, जैसे ना बंदा जिसमें ताकत नहीं होगी। हम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आती है ना। तो वो गधा ना इतना बेचारा, उससे चला ही नहीं जाता। उसका मालक काम उससे ज़्यादा लेता है और उसको खाने को कुछ देता नहीं। तो बड़ा उस बेचारे को ना होता है कि मेरा मालक जो है ना, वो कितना कंजूस है, मुझे खाने को भी नहीं देता। तो एक दिन वो उसके ऊपर ना सामान वगैरह लाद के ना जंगल से गुजर आता, तो गधा जो है ना, वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता। अच्छा? सारा सा लड़खड़ा के, मतलब उससे खड़ा नहीं, सही चला नहीं ना जाता। हाँ। तो वो नीचे गिर जाता धड़ाम से जमीन पे। हाँ। तो उसका मालक जो है ना, वो बड़ा परेशान होता है, कहता है कि ये ना, मैं इसको खाना नहीं ना बेचारे को दे रहा, तो इस वजह से इसके साथ ना ऐसा हो रहा। तो क्या किया जाए, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। तो घर ले आता है, बहरहाल घर ला के उसको बांध देता है। उसको थोड़ा बहुत जो खाना होता है वो उसको देता है, लेकिन गधे को और खाना चाहिए होता है। तो किसान बैठ के ना, वो जो उसका मालक होता है ना, बैठ के सोचना शुरू कर देता है कि कोई ऐसी तरकीब हो जिससे कोई इसको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका खाना जो है ना, ये पेट भर के खाए। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। नेक्स्ट डे हो जाता है, तो वो ना गधे को अपन ना सामान वगैरह लाद के ना, तो जंगल जा रहा होता है। जंगल से गुजर के उसने जाना होता ना शहर में बेचने के लिए सामान। तो जा रहा होता, तो उसको ना एक शेर जो है ना, उसका डेड बॉडी मिलती है रास्ते में। मतलब शेर, शेर की ना डेथ हो जाती है। तो किसान जब उसको शेर को देखता है ना, तो उसके जहन में फटाफट एक आइडिया आता है। वो कहता है, क्यों ना मैं शेर की ना, वो जो होती है ना, उसकी जो स्किन होती है, खाल जो होती है उसकी, मतलब शेर की सारी ऊपर से खाल उतार के ना, जो फ्लफी सी होती है, वो उतार के तो मैं इसको बना दूँ शेर ना, नीचे फेंको, तो मैं इसको पहना देता हूँ अपने इसको डोंकी को। तो जब उसको पहना दूंगा तो वो क्या बन जाएगा फिर, शेर। हाँ, वो बन जाएगा शेर। तो जब शेर बन जाएगा तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा उधर जंगल में, और जंगल में इसको भेज दूंगा। तो वहाँ जाके ये शेर से, आपको पता ना शेर जानवरों का बादशाह है, और लोग भी इससे बड़ा डरते हैं और जानवर भी इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो ना खाल उतारता है और उसके बाद जनाब उसको ले जाता है घर। घर जा के ना सारी खाल जो है ना, वो पहना देता है डोंकी को। ठीक है, जब डोंकी को पहनाता है ना जाना, तो वो जो डोंकी होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शेर है। लेकिन जब सिर्फ आवाज़ आती है ना, डिंचुक डिंचुक डिंचुक, पता ना ऐसे ऐसे बोलता है वो जो डोंकी होता है। फिर ही किसी को पता चल सकता है
नहीं तो कोई भी देखे ना तो उसको उसने मतलब उसको यही लगना कि ये शेर है, किसी को नहीं पता चलना। अच्छा वो क्या करता है कि उसको जंगल में उधर ले जाता है फसलों की तरफ, जहाँ पे ये खेत वगैरह होते हैं ना, खाना वगैरह होता है और घास वगैरह होती है, उधर ले जाता है ताकि मेरा जो गधा है ना वो जी भर के खाना खाए और खुद कहीं ना छुप जाता है। अच्छा थोड़ी देर बाद ना वो गधा अंदर जाता है और उसने उसकी वो पहनी होती है खाल लाइन की, हाँ अंदर जाता है तो जनाब वो ना घास खाना शुरू हो जाता है, और वो जो होता है ये सब्जियां दूसरी होती हैं सब सब्ज पत्तों वाली, वो उसकी फेवरेट होती है ना गधे की, वो खाना शुरू कर देता है। तो वो जो होता है ना क्या नाम है उस फसलों का जो मालिक होता है किसान, वो आता है वो देखता है वो कहता है ये शेर कहाँ से आ गया इधर, वो डर के ना भाग जाता है, वो समझता है कि ये शेर है और खाना खाने आया है और हमें भी खा जाएगा, वो डर के ना भाग जाता है और दूसरे किसानों को भी कहता है कि ना शेर आया हुआ है और हमारे खेतों के अंदर आके ना घुस गया है। सारे बड़ा डरते हैं, कहते हैं कि ये तो डरना शुरू हो जाते हैं कि यार शेर आ गया शेर आ गया, हर तरफ ना मशहूर हो जाता है कि जी शेर आ गया शेर आ गया। बच्चे हाँ सारे डरते हैं। तो कभी रोज जो है ना वो उसका जो मालिक होता है गधे का मालिक, रोज उसको ऐसे ही ले जाता है और कभी उसको कभी किसी खेत में ले जाता है, कभी किसी खेत में ले जाता है ताकि मेरा जो गधा है ना वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाता जाए खाता जाए खाता जाए, इसी तरह रोज उसको लेके जाता है। और जब गधे को इतना ताकत वाला खाना मिलता है तो गधा क्या हो जाता है ना, इतना मोटा हो जाता है, और इतना मोटा जब हो जाता है ना तो वो जनाब काम भी ज्यादा करता है, फिर उसको ये लेके जाता है, उसको खाना वगैरह खिला के ना, खाना वगैरह खिला के तो फिर ये उसके ऊपर सामान वगैरह लाद के तो इसको फसलों की तरफ वो उसकी तरफ शहर की तरफ ले जाता है, फिर अपना काम भी कंप्लीट कर लेता है। इस तरह रोज वो इसी तरह का काम करता है और उसको खाने को भी मिल जाता है और उसका काम भी पूरा हो जाता है। अच्छा किसान जो है ना वो इस चीज़ से तंग आ जाते हैं क्योंकि उनकी फसलें जो होती हैं वो जनाब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, किसानों ने फसलें जो हैं वो अपनी तैयार करके फिर वो सेल करते हैं ना बाजार में जाके, तो बाजार में जब सेल करते हैं तो फिर ही हम तक आती हैं ना जैसे चावल गंदम वगैरह और सब्जियां वगैरह, तो ना सारे किसान कहते हैं कि इसका क्या हाल है, इस शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा, अब हम क्या करें। तो ना सारे किसान बैठ के सोचते हैं लेकिन कोई तरकीब ना उनके जहन में नहीं आती, तो कहते हैं चलो छुप के ना देखते हैं ये गधा कितनी को देर इस तरह की कार्रवाइयां करता शेर है, शेर सॉरी शेर जो है ना कितनी को देर तक हमारा फसलें खाता है, लेकिन उन बेचारों को बड़ा नुकसान हो रहा होता है तो वो बेचारे सैड भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा वो सारे बैठ के ना देखते हैं तो ना जो इसी तरह वो शेर आता है गधा गधा जो होता है वो शेर बन के आता है और जनाब इतनी ज्यादा फसलें खानी शुरू कर देता है, और जब फसलें खा रहा होता है ना तो जो किसान होते हैं ना उनमें से एक किसान कहता है वैसे कितनी हैरानी की बात है ये कैसा शेर है जो कि ना फसलें खाता है सब्जियां खाता है, और क्या इसका नाम है फसलें खाता है ये गोश्त नहीं खाता, जबकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, शेर को तो इतना पसंद होता है गोश्त, ये किस तरह का है, हमें इस चीज की ना समझ नहीं आ रही। वो दूसरों से डिस्कस करता है तो दूसरे कहते हैं हाँ वाकई बात तो वैसे ये नोट करने वाली है कि किस तरह का शेर है कि जो कि सब्जियां खाता है, जबकि शेर को तो ताकत के लिए ज्यादा से ज्यादा वो चाहिए गोश्त चाहिए, तो वो तो यहाँ खेतों में घुस के करता है। अभी वो सोच रहे होते हैं तो वो जो गधा होता है ना वो आवाज निकालता है डींचू डींचू डींचू, हाँ कैसे निकालता है, हाँ ऐसे करके जैसे देने होता है ऐसे निकालता है, तो वो एकदम रुक जाते हैं, कहते हैं वो ये तो गधे की आवाज है, उनको ना समझ आ जाती है कि ये किसी ने ना हमें धोखा दिया है, इसके ऊपर जो है ना स्किन जो है ना उसकी डाली है खाल जो है उसकी डाली हुई है शेर की, और अंदर जो है ना वो गधा है, वो फिर उधर से गन पकड़ते हैं और उस गधे की वो क्या कर देते हैं डेथ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ना क्या होता है
कि वो जो है ना जो गधे का मालिक होता है वो जाता है तो उसका गधा जो है ना उसकी डेथ हो गई होती है। वो इतना हैरान होता है, कहता है मेरे गधे की तो डेथ हो गई है, ये क्या हुआ। तो उसको समझ आ जाती है कि किसानों ने ना मिलके ये कार्रवाई जो है ना डाल दी है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। तो वो अब डरता हुआ किसानों को बताता भी नहीं है, अगर वो बताएगा तो जिस तरह उन्होंने उसको मारा था, गधे को मारा था, इसी तरह से उन्होंने धोबी को भी बहुत ज़्यादा मारना था, सब ने मिल के कि ये हमें धोखा दे रहा है। तो फिर वो चुप ही रहता है और जेन में सोचता है कि यार ना मैं धोखा देता, ना लालच करता, मैं खुद ही कोई उसको खाना डाल देता, लेकिन आज मैंने अपना गधा भी खो दिया बेचारा हमेशा हमेशा के लिए इसी लालच में, और जो है ना मेरा काम भी चला गया, क्योंकि वही उसके काम आता था ना। तो इससे हमें क्या मिलती है जायना? क्या मैं लालच नहीं करना चाहिए? हाँ, और हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए। अच्छा मामा आप दूसरी सुनाए। मामा गाड़ी वाली सुनाओ। गाड़ी वाली कहाँ से मैं सुनाऊँ? नहीं जो मामा ने सुने वही सुनाने हैं। अच्छा, अब मैं अपनी बेटी को ना सुनाती हूँ प्रिंसेस वाली, ठीक है? उसमें प्रिंस भी आता है? नहीं, प्रिंस नहीं होता उसमें। अच्छा अच्छा जी, एक ना प्रिंसेस होती है, तो ना उसके ना बाल बड़े प्यारे होते हैं, सुनहरी भी होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं, और वो बड़ी मशहूर होती है इर्द गिर्द के जो होते हैं ना, ये नहीं करो, इर्द गिर्द के जो होते हैं ना वो गांव, उनमें मशहूर हो जाती है कि फलां बादशाह की बेटी जो है ना सुनहरे बालों वाली, वो बड़ी प्यारी है और उसके बाल भी बड़े प्यारे हैं। और वो जो बादशाह होता है ना, हाँ बादशाह सलामत जो होते हैं ना, वो बड़े अच्छे भी होते हैं, वो अपनी बेटी से प्रिंसेस से ना बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ना वो गौर करते हैं कि कुछ दिनों से ना प्रिंसेस जो होती है ना वो बड़ी ज़्यादा सैड होती है, तो वो ना अपनी बेटी को बुलाते हैं कि शहजादी बेटा इधर आए बात सुने। वो कहती है हाँ जी बाबा। वो कहते हैं बेटा मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ कि आपके ना चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, आप मतलब बड़ी सैड सी नजर आती हो। तो वो ना क्या उसका नाम है जाइना, अगर आप मेरी तरफ इधर मुड़, मेरी तरफ मुड़ो इस तरह, कुछ टांगे इस तरफ कर लो ना, मेरी तरफ मुड़ो जरा, ऐसे भी आगे से भी सर देखो, ऐसे टांगे, एक टांग उधर कर लो बेशक, ये इधर कर लो, मैंने कहा आगे से भी, चले आज आगे से मामा भी देखना। चले मामा। अच्छा, तो वो ना आज मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे ना मुस्कुराहट नहीं है बेटी। तो वो कहती है बाबा जान मैं बड़ी परेशान हूँ, कुछ कुछ दिनों से ना जो मेरे बाल है ना वो बड़े खराब हो रहे हैं, और मेरे बाल इतने ज्यादा गिरना भी शुरू हो गए हैं, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, आपको पता है कि मेरे बाल कितने प्यारे हैं, मैं मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। उसके बाबा कहते हैं अच्छा ये बात है जिसकी वजह से मेरी बेटी सैड है। कहती है हाँ जी बाबा जान मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, आपको पता है कि लोगों में भी मेरे बाल बड़े ज़्यादा मशहूर हैं, तो अगर इसी तरह रहे तो मेरे बाल तो झड़ना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा मुझे, और फिर मेरे बाल डैमेज भी हो जाएंगे, तो मुझे, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बालों को ना हाथ दूँ मैं इनसे, या मेरे बाल खराब हो जाएं। उसके बाबा कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं अभी ऐलान करता हूँ कि जो मेरी बेटी के लिए कोई दवाई लेके आएगा इसके बाल सही हो जाएंगे, तो मैं उससे आपकी ना सिर्फ शादी करूँगा तो बल्कि वो जो दवाई होगी वो मेरी बेटी के बालों के काम भी आएगी। कहती है हाँ बाबा जानी ये तो बात आपने बड़ी सही की है, तो ना आप फटाफट ना ऐलान करवाएं ताकि मेरे बाल जो है ना वो खराब जो हो रहे हैं ना, आज ना एक मिनट, ताकि मेरे बाल जो है ना वो खराब हो रहे हैं ना, तो वो बाल ना खराब हो। अच्छा, बादशाह सलामत ना ऐलान कर देते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, और बादशाह सलामत कहते हैं कि मैं ना ऐलान करता हूँ कि मेरी बेटी के ना बाल खराब हो रहे हैं, जो मेरी बेटी के लिए लेके आएगा दवाई या ऑयल तो वो अगर लाएगा तो मैं उससे मेरी बेटी के ना सिर्फ बाल सही हो जाएंगे बल्कि मैं उससे अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा, मेरी शहजादी से वो बंदा शादी करेगा और फिर वो बन जाएगा शहजादा, फिर पता है ना कि वही फिर ये संभालता है जो बादशाह की दौलत वगैरह होती है, हाँ फिर वही बनता है ना, किंग बनता मंजी है, हाँ हाँ, और शहजादा भी बन जाता है। तो ना ये खबर ना हर तरफ फैल जाती है, साथ वाले गांव में ना एक वो होता है चरवाहा होता है चल वहां जो होता भेड़ बकरियों को चराता है, हाँ
गुडरिया जो होता है, हाँ तो वो उस तक भी खबर पहुंचती है। वो बड़ा गरीब होता है, तो लेकिन उसका बेटा बड़ा मतलब यंग होता है और बड़ा प्यारा और ऊंचा लंबा होता है। तो उसके जहन में ना आता है कि क्यों ना मेरा बेटा जो है ना ये काम करे। तो वो घर जाता है और अपने बेटे को कहता है कि बेटे साथ वाले गांव की वो जो शहजादी नहीं है। कहता है हाँ जी बाबा मुझे पता है, लंबे बालों वाली। कहता है हाँ बेटा उसके बाल ना डैमेज हो रहे हैं, तो बादशाह सलामत ने ना ऐलान किया है कि जो मेरी बेटी के लिए ढूंढ के लाएगा ना ये दवाई या तेल, तो जिससे मेरी बेटी के बाल सही हो जाएंगे, तो फिर मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो वो कहता है बाबा बाबा जानी आपको तो पता है कि मुझे तो इस तरह की चीज़ों का पता ही नहीं है। कहता है बेटा फिर भी मैं कहता हूँ कि आप ना प्यारे भी हो और ऊंचे लंबे भी हो, तो मैं तो मुझे तो अपना बेटा हमेशा शहजादे की तरह लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले में ना कोई हल निकालो हाँ और आप इसके लिए ना जो ट्राई करो। कहता है अच्छा बाबा जाने चले मैं करता हूँ। कहते हैं पहले बादशाह सलामत से ना आपने मिल के जाना है। वो फिर ना जाता है शहजादा बादशाह सलामत के पास, और बादशाह सलामत को ना मिलता है और सारी तफसील वगैरह पूछता है कि क्या हुआ शहजादी के बालों को ये वो, और ना उनको बादशाह सलामत को बहुत ज़्यादा ना वो भी देता है, क्या तसल्ली तसल्ली वगैरह भी देता है। किसको बोलते तसल्ली हैं? बोलते हैं कि मतलब उनको कहता है कि मैं ज़रूर आपकी बेटी के लिए आयल ढूंढ के लाऊंगा, आप परेशान ना हो, तो मैं इसके लिए ना ट्राई करने ना जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि चले उनको, क्योंकि अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है ना, तो वो कहते हैं हाँ नौजवान आप ना ट्राई करो। वो जनाब वो जाता है तो ना उसको ना कहीं से ना पता नहीं, वो जाता है तो एक जंगल में ना गुजर रहा होता है, तो उसको ना नींद आ जाती है, वो सो जाता है। तो सो जाता है तो उसको ना ख्वाब ख्वाब में ना एक बूढ़ा आता है। तो वो ना बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटे मुझे पता है कि आप ना शहजादी के लिए ना दवाई ढूंढने के लिए निकले हो कि उसके बाल जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी दवाई जो है ना एक बताती हूँ। बताता हूँ एक काला देव है जो कि हमारे गांव का ना मालिक है, हमारे गांव पे वही रूल करता है, और वो बड़ा जालम है, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करता है। उसकी जो बीवी है ना उसके पास वो दवाई है जिससे बाल जो है ना वो लंबे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना उससे हमें हमारी जान छुड़वाओ, वो हम पे बहुत ज़्यादा काला देव बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, तो आप हमारी उनसे ना जान छुड़वाओ, आप जाओ। तो उसकी ना फटाफट आँख खुल जाती है, वो कहता है ये क्या, ये मुझे बूढ़े ने आके क्या कहा है। तो ना उसके पास ना एक अंगूठी भी पड़ी होती है, तो उसको समझ आ जाती है ज़रूर ये जो वो बूढ़ा आदमी था ना उसने मेरी वो करने के लिए ना मदद करने के लिए ये अंगूठी भी छोड़ी है। तो वो ना जनाब क्या उसका नाम है अंगूठी पहन लेता है और ना साथ वाले गांव की रास्ता पूछता पूछता ना तो वो जाता है। जाना लाओ अब आयल भी, साथ आयलिंग भी करो, अच्छा बैग कर वो चलो सुनाए बैग कर लो मेरी तरफ। सुनाए अब सुनाए। अच्छा जी, तो ना पूछता के साथ वाला गांव जो है ना सारी तफसील वगैरह वहां से पता करता है कि साथ वाला गांव जो है वो कितनी दूर है और वहाँ पे कौन जो है ना हुकूमत करता है। तो सारे वो मशहूर होता है, वो जो काला देव होता है वो बड़ा मशहूर होता है। तो कहता है कि रास्ता पूछता है और फिर जाता है। तो उधर साथ वाले गांव में जब पहुंच जाता है ना तो वहाँ जनाब पहुंच के ना तो उसको वो मिलता है काले देव का घर। वो पूछता है किसी से तो लोग बताते हैं कि ये काले देव का ना ये घर है। तो ना दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से ना एक बड़ी प्यारी लड़की निकलती है। कहती है कौन, प्यारी सी होती है। तो वो कहता है मैं हूँ, लड़का जो था उसका नाम अली होता। तो कहता है मैं अली हूँ। तो वो लड़की बाहर रहती है, उसको देख के ना डर के अंदर भाग जाती है। वो कहता है फिर दोबारा नॉक करता है, कहता है खोलो खोलो मेरे से डरो ना, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई हैवान हूँ जो आप मेरे से डर रही हो। तो वो कहती है कौन कौन, आप यहाँ से चले जाएं, आपको नहीं पता कि काला दियो जो है ना वो आ जाएगा और आपको कोई नुकसान पहुँचा देगा, तो आप चले जाओ। वो कहता है नहीं आप ना दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस वजह से मैं आपके घर आया हूँ।
तो वो कहती है अच्छा, तो वो उससे पूछता है आप कौन है, तो कहती है कि मैं ना एक शहजादी थी किसी मुल्क की, तो ये काला दियो जो है ना मुझे वहां से अगवा कर लाया है, और अब इसने ना अब मुझे कैद किया हुआ है और अब मेरी जान ही छोड़ रहा, लेकिन ये जालिम बड़ा ही अपनी ये जो गांव वाले हैं ना इनके ऊपर भी बड़ा ज्यादा जुल्म करता है, तो जिसकी वजह से ना सारे इसकी वजह से बहुत परेशान है और मैं खुद भी बड़ी ना परेशान हूँ। वो कहता है अच्छा आप भी परेशान है, कहता है हाँ, वो कहती है हाँ, तो उसको कहता है अच्छा तो काला दियो किधर है, वो कहती है वो इस वक्त ना बाहर गया हुआ है, तो आप क्यों आए हैं, वो कहता है कि मैं ना सारी उसको तफसील बताता है कि साथ वाले गांव की कह रही हूँ, हमारे जो साथ वाला गांव है ना जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की जो शहजादी है उसके बाल बड़े लंबे हैं और बड़े प्यारे और सुनहरे हैं, तो एक कुछ देर हो गई है उसके बाल जो है ना वो खराब होने शुरू हो गए हैं, डैमेज होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ना उसके बाल जो है ना वो उसको हेयर फॉल का मसला हो रहा है और उसके बाल ना डैमेज हो रहे हैं, और वो बेचारी बड़ी परेशान हुई है वो शहजादी, और बादशाह सलामत ने ना अनाउंसमेंट की है कि जो शहजादी के लिए ना कोई दवाई लेके आएगा ना तो वो दवाई से ना उसके बाल जो है ना वो हमेशा के लिए सही हो जाएंगे और लंबे भी होंगे, तो वो कहती है हाँ मेरे पास है दवाई, तो वो कहता है आप प्लीज आप मुझे दे दें, वो कहती है अभी तो काले दियो के आने का टाइम हो गया है, तो वो कहता है मैं ना उसको मारने के लिए आया हूँ, तो वो कहती है हाँ उसको मैं भी चाहती हूँ कि कोई ना कोई उसको मारे क्योंकि वो बहुत ज्यादा जालम है और बहुत मेरे पे भी बड़ा जुल्म करता है, मैं अपने मामा बाबा से ना बड़ी ज्यादा उदास हूँ, मैं उनके पास आना चाहती हूँ, तो अभी आप छुप जाओ मैं आपको छुपा देती हूँ, तो लेकिन ये है कि आप उसको इस तरह नहीं मार सकते क्योंकि वो एक देव है, उसकी जान जो है ना किसी चीज में है, तो वो कहता है किस चीज में है, वो कहती है ये तो नहीं मुझे पता कि किस चीज में है, लेकिन ये मुझे पता है कि उसकी जान जो है ना किसी चीज में है, मैंने कभी पूछा नहीं है, तो वो कहता है कि अगर आप चाहती हो कि आपको उसकी कैद से मैं आजाद करवा लूँ तो फिर आप मेरी हेल्प करो उसको मारने में, मेरी जो है ना आप हेल्प करो और उससे पूछो कि उसकी जान किस चीज में है, वो ना कहती है अच्छा चलो मैं आज कोशिश करूंगी, अभी आप छुप जाओ फटाफट, दियो आ गया तो आपको नुकसान पहुंचा देगा और फिर आप जो काम करने आए हो ना आप वो काम कभी भी नहीं कर सकोगे, वो कहती है वो कहता है हाँ ये सही है, उसको ना किसी छोटे से कमरे में ना छुपा देती है, अच्छा दियो आता है तो वो ना दियो की बड़ी ज्यादा ना उसकी ना खुशामद करती है, उससे बड़े प्यार से पेश आती है, कहती है कि आप बड़े अच्छे हैं आप बड़े प्यारे हैं आप मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, वो बड़ा खुश होता है कि आज ना ये शहजादी तो मेरी बड़ी ज्यादा खुशामद कर रही है, तो उसको कहती है कि मुझे आपने कभी बताया ही नहीं है कि आपकी जान जो है वो किस चीज में है, तो वो कहता है आज कहाँ से आपके जहन में ये बात आ गई, कहती है मैंने कभी पूछा ही नहीं आपसे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि आपकी जान मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, मैं आपने मुझे अपनी पास रखा हुआ है तो मुझे इल्म तो होना चाहिए ना, वो बड़ा खुश होता है कि ये शहजादी तो मेरे से प्यार करना शुरू हो गई है, तो उसको कहता है कि घर में जो मियाँ मिठू है ना हमारे उसके अंदर मेरी जान है, कहती है मियाँ मिठू के अंदर, कहती है वाह चलो सही है, अभी वो ये बात कर रही होती है तो वो लड़का जो है ना वो अली जो होता है वो फटाफट निकल आता है और उसको ना मिठू को पकड़ के उसकी गर्दन को ऐसे करके ना करता है मारता है, तो क्या होता है कि एक जोरदार धमाका होता है और काला दियो जो ना उधर ही वो खत्म हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है फटाफट, इससे पहले कि वो कोई काम करता वो फटाफट उस मिठू को मार देता है, और क्या होता है जनाब वो मिठू किसको करते हो सर? तोता मियाँ मिठू तोता, हाँ हाँ तोते को बोलते हैं ना, तोते का नाम मियाँ मिठू होता है ना, तो इससे वो शहजादी बड़ी खुश होती है, कहती है वाह आपने तो अली इसको मार दिया, तो फिर उसको उससे वो दवाई लेता है जो उसने शहजादी के लिए ना शहजादी के बालों के लिए होती है उसके पास, और इस तरह से फिर क्या होता है कि वो जो शहजादी होती है ना वो उस गांव की ना बन जाती है मालक, मतलब उस गांव को फिर वो रूल करने लग जाती है, और लोग तो ऑलरेडी उससे बड़े तंग आए होते हैं उस दियो से, वो बड़े खुश होते हैं, वो अली का इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि अली भाई आपकी वजह से ना हमारे हमें इस दियो से ना हमारी जान छुटी है और इसकी डेथ आपने की है, हम आपके बड़े ज्यादा शुक्रगुजार हैं और आपने हमें इतनी अच्छी जो हमारी मालकन है ना वो बना दी है,
और फिर इस तरह वो अपने मामा पापा से भी रابطہ कर लेती है और अपने मामा पापा से भी मिल लेती है। तो वो जो अली होता ना, तो फिर वो खुशी खुशी जाता है गांव वापस, जहाँ पे शहजादी, सुनहरे बालों वाली शहजादी रहती है, और जाके बादशाह सलामत से मिलता है। और बादशाह सलामत को कहता है कि सारी स्टोरी उसको सुनाता है कि ऐसे मैं उधर गया तो मैंने काले दियो से किस तरह से मुझे ख्वाब आया, और काले दियो में, दियो के पास जो उसने कैद में रखी हुई थी लड़की, उसकी उसने उसको बीवी बनाया हुआ था, तो मैं ऐसे उसको सारी स्टोरी ना सुनाता है। तो बादशाह सलामत जो होता है वो मम्मा फिर, यहाँ कहीं अच्छा, बादशाह सलामत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, करती हैं, तो बादशाह सलामत जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर क्या होता है जनाब, उसकी हो जाती है, फिर उसकी शादी कर देते हैं उसके साथ। और शहजादी जो है, उसके बाल जो है इतने लंबे और इतने प्यारे होने शुरू हो जाते हैं, तो शहजादी बड़ी खुश होती है। फिर बादशाह सलामत ने चूंकि प्रॉमिस किया होता है कि जो मेरी बेटी के लिए ढूंढ के लाएगा दवाई, तो फिर मैं उसके साथ अपनी बेटी की कर दूंगा शादी। फिर बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है उसके साथ। जो उसका बाप होता चरवाहा, वो बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा जो है वो अब बादशाह बनेगा। तो वो फिर बादशाह बन जाता है उस गांव का। और इस तरह वो गरीब चरवाहा जो होता है, उसकी तरकीब जो है वो काम आती है, और सारे हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं। हमें एक और देखते हैं। नहीं, मैंने एक और तो नहीं, एक दो सुनाई है मैंने, कभी आप भी मुझे सुना दिया करो। अच्छा ठीक है, जाने नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ना। मुझे भी, मैंने तो आपसे भी ज्यादा सुनी। आप तो देखते देखते करती है ना, मुझे याद ही रहती है। अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम ना मैं अपनी बेटी से ना